आसिफ जी। अभी जो बहुत लंबे समय से जो अयोध्या मामले का जो ऐतिहासिक जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें आपको क्या लगता है किस तरह का फैसला आएगा और किस तरह से लेना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पूरे एविडेंस के आधार पर आएगा, जो भी साक्ष्य होंगे उस आधार पर आएगा, तो किस तरह से लोगों को लेना है, क्या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप इंडियन जैसे सोचोगे ना, तो फर्स्ट थिंग इज जो डिसीशन जो कोर्ट देगा ना वो मानना चाहिए, क्योंकि एक तो कोर्ट जो देगा ना वो एक को मद्देनजर रखते नहीं देखता कि मुस्लिम के लिए दे रहे हो या हिंदू के लिए दे रहे हो, ये होगा जो दोनों की लड़ाई बंद कर सके, सबसे पहले तो वो होना चाहिए। वैसे भी फ़ायदा तो कुछ नहीं है, अगर मस्जिद बनेगी तो वो कहीं भी बन सकती है, मंदिर बनेगा कहीं भी बन सकता है, तो अगर कुछ एविडेंस के ऊपर बन रहा है तो ठीक है, एज ए इंडियन वी शुड फॉलो दिस। हिंदुओं का मत है कि क्योंकि जो भगवान राम हैं हिंदुओं के, वो अयोध्या में, क्योंकि जो हिस्ट्री है, जो 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 उनके जो ग्रंथ है, ये वेद है, उसमें से एविडेंस आए हैं कि भाई राम वहीं पैदा हुए थे, और बाबर जो है, जैसे कि वो कहते हैं बाबर बाद में आए, बाबर का आगमन हिंदुस्तान में बाद में हुआ, वो ये उन्होंने युद्ध लड़े और उसके बाद आए, तो उन्होंने जो है अपना वजूद बचाने के लिए वहाँ पर मस्जिद बना दिया, ये इस तरह का। लेकिन अभी जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे ESI का मिला है तमाम, तो उसके आधार पर अब फैसला आने वाला है, तो ये भी नहीं मान सकते हैं कि भाई, जैसे आपने सही कहा कि अगर राजनीतिक रूप से लेना चाहेंगे तो मुस्लिम बोलेंगे कि हमारा मस्जिद बनना चाहिए, लेकिन ये सभी को, सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, और जो जो यथावत जो हिस्ट्री में है या जो साक्ष्य में है, उसके आधार पर जो जो फैसला आएगा उसको क्या लेंगे आप, किस तरह से? सी, जैसा आपने बोला कि लाइक राजनीतिक रूप से अगर लेना चाहे तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इंडिया में। राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति मतलब ये ना 70 साल से जो है उस पर राजनीति हो रही है, कब को जो है इसका फैसला आ जाना चाहिए था, और वो जो है अनावश्यक जो है इसको लटकाया जा रहा है कुछ लोगों को जो है अपने राजनीति करने के लिए, तो आपको लगता नहीं कि बहुत लंबा समय हो गया, इसको सभी को सम्मान करना चाहिए ताकि हम जो लोगों का जो है उस तरफ से जो है ध्यान हट जाए और अपना जो है इस तरह से इस पर राजनीति? जी ऑलरेडी आप अगर आप देखोगे ना तो 20 साल कम से कम बीत ही चुके हैं, और कितना वेट करोगे? जो कोर्ट का जो भी डिसीशन होगा इंडियंस को फॉलो करना ही बेस्ट आइडिया है अभी के लिए, एक ना एक राजनीतिक रूप को माइंड में मत रखो, आगे जो जो भी हो राजनीतिक रूप से अगर आप देखोगे ना तो नेगेटिविटी भरेगी भरेगी, कम्युनलिज्म फैलेगा ही फैलेगा, अगर आप उसको हटा के एज ए इंडियन आप सोचोगे ना कि लाइक हाँ कुछ हो रहा है, एटलीस्ट एक झगड़ा का फुल स्टॉप लगेगा वहाँ पे कि लाइक मस्जिद बनना चाहिए या मंदिर बनना चाहिए, कुछ भी हो इंडियन कोर्ट एक पॉइंट पे रख के बात करेगा कि लाइक देखो इसी से सबका भला है, सो हम सबको फॉलो करना चाहिए उसको, राजनीतिक माइंड में भी रख के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एज ए इंडियंस हम लोगों को मानते चलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जो भी फैसला हो, जो भी फैसला हो फॉलो करना चाहिए, अभी के लिए बेस्ट है, एक सिचुएशन का फुल स्टॉप लगेगा, जो भी है वो खत्म हो जाएगा वहाँ पे। कहाँ से रहने वाले हैं? बैंगलोर, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर देव हुआ। देव साहब, क्या लगता है बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला अंतिम चरणों में है और आने वाला है, तो किस तरह से लेंगे आप फैसला, किस तरह का फैसला आएगा और किस तरह से लेना चाहिए देशवासी? देखिए दोनों मतलब पक्षों को देखते हुए और मतलब सौहार्दपूर्ण मतलब होना चाहिए, जैसा कि दोनों समुदाय के लोगों को लगे कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ, हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ, ऐसा न्यूज मतलब होना चाहिए। न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास है, न्यायपालिका तो ही सर्व है, अब इसके बाद कहाँ पे फैसला होगा, अब तो यही अंतिम फैसला है, तो इसमें यही होना चाहिए। तो किस तरह के, जैसे क्योंकि एविडेंस के आधार पर आएगा, जो भी साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर उसके आधार पर आएगा, तो जब फैसला आएगा तो सभी को मान्य होना चाहिए, तो आपका क्या राय? हाँ, इसमें सभी को, दोनों को मान्य होना चाहिए, दोनों को मानना चाहिए, जब न्यायालय पर हम लोग छोड़ दिए तो फिर न्यायालय की बात तो मानना ही चाहिए ना, प्यार मोहब्बत बनाए रखना चाहिए। अभी सभी लोगों को एक ही साथ रहना है, एक ही जगह रहना है, ये हिंदुस्तान है, इसका नाम रखा गया है, तो दोनों को रहना चाहिए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भरत भाई ठक्कर। सर ठक्कर साहब, आप क्या कहेंगे जो बहुत लंबे समय से जो है फैसला आने वाला है, बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद अब किस तरह से फैसला आएगा और किस तरह से लोगों को लेना चाहिए देशवासी? फैसला कोई भी आवे, देश पूरा एक ही है, सबको हल मिल के जो है सो सर पे स्वीकारना चाहिए, सभी को जो है वो शिरोमन करना चाहिए, वो प्रेम से सबको रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सही होगा, जो होगा सही होगा, क्योंकि साक्ष्य के आधार पे आएगा, और भी आवे जो सुप्रीम कोर्ट करेगा वो सही करेगा,
और सबको इन्हीं मिल के साथ में रहना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर पे, सही से श्री राम का। और क्या तो फैसला किस तरह से आएगा जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है? बड़ी लंबे समय तक 40 दिन तक सुनवाई चली, उसके बाद अब फैसला आने का समय आई, तो जल्दी जल्दी आई। ये तो पब्लिक के ऊपर होता है सबसे बड़ी, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है फैसला, सुप्रीम कोर्ट को देना है। सुनवाई हो चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है। आपका क्या नाम है? सचिन शुक्ला। देखिए सर, बहुत लंबे समय से जो है जो विवादित जो फैसला आने वाला है अयोध्या मामले में, तो आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, आप सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी फैसला देने वाला, तो किस तरह से फैसला आएगा और किस तरह से लोगों को लेना चाहिए? देखिए फैसला जो भी आए, सुप्रीम कोर्ट तो एक तो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, तो उसको वो पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से अपना फैसला देगी और फैसला उन्हीं आधार पे देगी जो उसके सामने साक्ष्य रखे होंगे। अगर फैसला हमारे विपक्ष में आता है तो मतलब कोई भी कमेटी जिसको लगता है मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, अगर आपके विपक्ष में आता है तो आज तक कितना समय था आपने साक्ष्य नहीं रखे अपने सही। और इस अब जो भी फैसला आए चाहे किसी भी पक्ष में आए, तो सबको सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए और उसमें ना किसी की जीत है ना किसी की हार है। जीत होगी तो कानून की जीत होगी और जो सच्चाई की जीत होगी। अब आप कुछ भी बोलो कि राम मंदिर बनना चाहिए कि मस्जिद बनना चाहिए, उसमें जो फैसला आएगा उसी का पालन करना चाहिए और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और आज की डेट में उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लोगों को अपने दिन रोज के कामों में ध्यान देना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान करके देश का माहौल ख़राब करने का, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो है ही नहीं है, क्योंकि फिर ये राजनीति वाली बात, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला है, कई सालों से जो है चला आ रहा है, इसका भी निवारण होना बहुत जरूरी है। तो अब जो फैसला आएगा उसमें आप किस तरह से लेना चाहिए लोगों को, क्या संदेश देंगे आप? देखिए फैसला जो भी आए, चाहे अगर फैसला किसी भी पक्ष में आए, तो उन्हें ये करना चाहिए कि दोनों आपस में आम सहमति से फैसले को मानते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। हमें अब उस मुद्दे से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, जो कुछ हो सरमान है गवर्नमेंट का ही है। फैसला आने वाला है अयोध्या मसले पे, तो अयोध्या मामले पे जो फैसला आएगा उसको किस तरह से लेंगे? क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अजमल नाम है। आपका क्या नाम है? सुफियान अहमद। कैसे लेंगे आप, जैसे कि जो आप फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा लंबे समय से जो चला आ रहा है, तो किस तरह से फैसला आएगा और किस तरह से लेना चाहिए? किस सहज तरीके से लेना चाहिए फैसला, तो क्योंकि अब वैसे भी वो इशू रहा नहीं जो इशू था, अब तो वो जो है सिविल सूट की तरह से वो निपटारा होगा। अब वो भूमि विवाद हो गया ना कि कोई आस्था, और उसका मतलब पहले ही कोर्ट ने ये कह दिया, स्पष्ट कर दिया है अगर मालूम हो तो, कि हम उस केस को आस्था की बुनियाद पर या आस्था के आधार पर नहीं देखेंगे, हम इसको सिविल सूट के रूप में देखेंगे। भूमि विवाद का निपटारा होगा, सहज रूप से देखेंगे सभी लोग, देखना चाहिए मेरी समझ। जी 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 बिल्कुल, मानना नहीं चाहिए। मानना तो कोर्ट का फैसला तो मानना ही है पड़ेगा उसको ना, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, अब जज साहब बैठे, हम लोगों से काबिल हैं, जो भी फैसला लेंगे वो सही लेंगे, समाज के हित में लेंगे। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है इसमें मैटर है नहीं कि वो आस्था से संबंधित कोई विषय रहा नहीं, वो सिविल सूट के रूप में देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें असहजता क्या है? मैं समझता हूँ किसी संप्रदाय को या किसी को भी कोई असहज होने की ज़रूरत नहीं है या कोई आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सिंपल सा ओपिनियन है। बिल्कुल। और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, आपकी जो भी फैसला आएगा उसको किस तरह से जो है उसको बस यही संदेश देना चाहते हैं, उस सहजता से लें, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ना ही कोई सांप्रदायिकता वाली बात है, किसी संस्था को ठेस पहुँचाने वाली बात है नहीं, जो भी वो जज या जो भी फैसला लेते हैं वो समाज के हित में ही होता है, बस यही समझ के अपना वेन्यू और इसमें। और अब तो वो दस्तावेज देखे जाएंगे ना कि भूमि किसकी है, साक्ष्य देखे जाएंगे, जो भी उसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? संदीप। ये जो लंबे समय से जो विवादित जो अयोध्या मामला का जो फैसला है, बड़ी लंबी सुनवाई के बाद अब फैसला नज़दीक आ गया, फैसला आने वाला है, तो किस तरह से फैसला आएगा और किस तरह से देशवासियों को लेना चाहिए? बहुत सी कहना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगी उस सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए और सारे विचारों को जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको सोचने के, वो सोच विचार करके ऐसे ही लिया जाएगा, इतना छोटा फैसला तो है नहीं। बाकी मेरे ख्याल से एक दो दिन में जैसे आता है फिर
लेट्स होप जो अच्छे से अच्छा होगा वो होना चाहिए। एविडेंस के आधार पे आएगा, हाँ साक्ष्यों के आधार पे जो फैसला आएगा वो सभी को बिल्कुल बिल्कुल वो सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप सर जो 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 अयोध्या मामले पे जो मंदिर विवाद है वो लंबे समय के बाद सुनवाई के बाद जो फैसला आने वाला है तो आप किस तरह से लेना चाहिए फैसले को? भैया ये फैसले को ऐसे लेना चाहिए जिसका अधिकार है जिसकी वो ज़मीन है उसी को मिलनी चाहिए, चाहे हिंदुओं को मिले मुसलमान को मिले। ये जो समाज के अंदर बंटवारे की बात सो लोगों ने कर दी है हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं था ना है ना रहेगा। वो ज़मीन का जो एक्चुअल मालिक है जिसका वहाँ अधिकार है उसी को मिलनी चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान। मेरा तो ये कहना है भाई साहब, मानना चाहिए वो साक्ष्य के आधार पर। बिल्कुल मानना चाहिए भाई साहब, हिंदू हिंदुओं का मानना है कि भगवान राम जो है, मानने से किसी कोई चीज़ नहीं होती। मेरे मकान को पड़ोसी कहने लगे मेरा तो दे दूंगा, क्या कोई सबूत है क्या? हिंदुओं के पास सबूत हो हिंदू अपने सबूत रखे कोर्ट में रखे भी होंगे, मुसलमान के पास हो मुसलमान रखे। जो उस ज़मीन का एक्चुअल ओनर है जो उस ज़मीन का एक्चुअल अधिकारी है उसको वो ज़मीन मिलनी चाहिए, ना हिंदू ना मुसलमान। जो फैसला आएगा उसको सभी स्वीकार करेंगे, बड़े दिल से करेंगे भाई साहब। हमने कह दिया ना, पड़ोसी अगर कहने लगे मेरा मकान है मैं दे दूंगा क्या, रजिस्ट्री जब मेरे नाम पे तो मेरी हुई ना, तो सीधी सी बात है कहने को बहुत कुछ कहते हैं लोग, भाई साहब कहने पे मत जाओ। हर आदमी को अपनी बीवी करिश्मा कपूर करीना कपूर जैसी चाहिए, मिलती है क्या? तो कहने का मतलब ये भाई साहब जो मालिक है उसको वो ज़मीन मिलनी चाहिए जो उसका असली मालिक है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। ये देश सभी बिरादरी धर्मों का है और रहेगा, बस मेरा तो ये कहना। आपका क्या कहना है भैया? हिंदुओं को मिलना चाहिए मेरी तरफ से, क्योंकि भगवान राम की आस्था है। हाँ, जो भगवान राम की आस्था है और हिंदुओं को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग भगवान राम जो है अयोध्या में पैदा हुए थे, जो साक्ष्य हाँ, और जो भी साक्ष्य होंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जो है जो भी फैसला देगा वो सभी को हाँ, वो माने वो तो हम मानेंगे। शिवांश त्यागी, जिस दिवाली की 5 दिन की छुट्टी रही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, वो दिवाली किसके लिए मनाई जाती है? प्रभु श्री राम के लिए, और उन राम को ही मान रहे हैं वो 5 दिन बाद फिर कोर्ट बिठा रहे हैं इसी चीज़ के लिए। तो ये तो सबको पता है प्रभु श्री राम की है और राम जी को ही मिलेगी। बोलो जय श्री राम।